नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे छोटे छोटे निवेशक बात करते हैं, रिटेल निवेशक बात करते हैं कि भाई एक स्टॉक हम लोग खरीदना चाहते थे लेकिन पब्लिक फ्लोट में मिला नहीं ये स्टॉक, इसमें खरीदारी नहीं कर पाए या फिर कुछ मिस रह गया, किसी वजह से वो छूट गया वो स्टॉक, और आज ये स्टॉक में अच्छी खासी बम्पर मुनाफा देते हुए वो दिख रहे हैं और इस चीज का उनको मलाल है। अब यहाँ पे छोटे निवेशक ही नहीं, जो बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज निवेशक हैं, उनमें से एक का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया सीएनबीसी को। उन्होंने कहा कि एक स्टॉक ना खरीद पाने का बहुत मलाल है, जबकि ये एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने जबरदस्त मुनाफा कमाया है। आपको याद होगा हिंडनबर्ग वाला मामला आया था, अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशन लगे थे। ऐसे में उस समय जो सबसे ज्यादा, अगर सबसे पहले किसी ने हाथ थामा था अडानी ग्रुप का, उनके शेयरों में खरीदारी करी थी, तो वो थे जीक्यूजी के यहाँ पर राजीव जैन, और उन्होंने उस समय जो सस्ते में स्टॉक खरीदे उसके बाद उसका जबरदस्त कई गुना ज्यादा मुनाफा उन्होंने कमाया था। अब यहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि एक स्टॉक ऐसा है जिसको खरीदने को लेकर उनको मलाल है कि वो खरीद नहीं पाए। कौन सा है स्टॉक और स्टॉक को लेकर क्या बात कही है उन्होंने और इसकी स्थिति भी देखेंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जीक्यूजी के राजीव जैन की। उन्होंने दरअसल एलआईसी के ऊपर बोला है, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि 2023 में एलआईसी में उन्हें खरीदारी करना वो चाहते थे साल 2023 में, लेकिन वो खरीदारी नहीं कर पाए, उनको मौका मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? देखिए, छोटे छोटे निवेशक तो कम स्टॉक खरीदते हैं, जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वो बल्क डील करते हैं, ब्लॉक डील करते हैं और बड़े में खरीदारी करते हैं, छोटे कम स्टॉक्स नहीं खरीदते। और ऐसे में क्या होता है, जो LIC एक ऐसी कंपनी है जिसके तमाम निवेशकों की बहुत दिलचस्पी रहती है, तो ऐसे में पब्लिक फ्लोटिंग जो होती है उसको, उसकी लिक्विडिटी जो है उसको कम देखने को मिलती है, और ऐसे में जब मौका नहीं मिलेगा तो स्टॉक नहीं मिलेगा तो खरीदारी भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो राजीव जैन का कहना है यहाँ पर कि मुझे एक चीज़ का मलाल है कि मैं LIC को 2023 में खरीदना चाहता था लेकिन मैं इसको खरीद नहीं पाया है, यहाँ पर पब्लिक फ्लोट शेयर जो थे वो कम थे जिसके चलते मैं खरीदारी यहाँ पर नहीं कर पाया। अब मैं आपको बताऊं इसकी स्थिति LIC को लेकर, अभी अगर आप राजीव जैन की बात करें तो इस वक्त मौजूदा वक्त में देश के अंदर वो करीब 22 अरब डॉलर के जो एसेट्स हैं वो देखते हैं, भारत के अंदर 22 अरब डॉलर लगभग हो गए 2,200 करोड़ के आसपास। LIC की स्थिति मैं आपको बताऊं कि अभी मौजूदा वक्त में सरकार के पास जो है करीब 96.5% हिस्सेदारी है। IPO सरकार लेकर आई थी, IPO से अभी तक जो जितना इक्विटी में विनिवेश किया है सरकार ने, करीब जो डाइवेस्टमेंट किया है वो करीब 3.5% का है। 3.5% का डाइवेस्टमेंट के बाद देखिए क्या स्थिति है, स्टॉक को लेकर मारा मारी है यहाँ पर। 2022 में इस कंपनी का IPO आया था और सरकार ने करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। लेकिन अगर आप इस स्टॉक की चाल को देखें तो ये जो है स्टॉक जो है जबरदस्त तेजी में देखने को मिला। नवंबर में भी करीब 13% देखने को मिला, दिसंबर में 22% तक का रिटर्न दिया इसने निवेशकों को, और इस साल अभी तो उसके बाद जनवरी आया 15%, और फरवरी में भी अभी तो करीब 10% से ज्यादा का यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है स्टॉक में। यानी स्टॉक जो है वो लगातार जबरदस्त रिटर्न दे रहा है यहाँ पे। और पीछे खबर भी आई कि जो इनकम टैक्स की तरफ से रिफंड मिला है करीब 21,740 करोड़ का आसपास, जिसको LIC ने ये जानकारी दी यहाँ पर अपने प्रेस रिलीज के जरिए कि 2012 से लेकर 2019 तक का जो भी उनका टैक्स रिफंड का बकाया था वो आ गया है, और उसके बाद भी हमने देखा कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, और लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं कि स्टॉक में आने वाले दिनों में भी और तेजी देखने को मिल सकती है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे राजीव जैन की, GQG के हैं, और उनको मलाल है कि वो LIC का स्टॉक नहीं खरीद पाए, और इसके पीछे की वजह भी मैंने आपको बताई। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।